जीवन में अंधेरे से बाहर कैसे निकले। अंधेरे में एक बच्चा खो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होने से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन रोने से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला था। बहुत रोने के बाद प्यास लगने की वजह से वो चुप हो गया और सो गया। एक भाई जो वहां से जा रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को देख लिया। उनके हाथ में टॉर्च थी और उसके प्रकाश से उस बच्चे की हालत देखकर वो भाई को पता चल गया कि अंधेरे में खो गया है। भाई ने उस बच्चे को जगाया और कहा, ले बेटा पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ने पानी पिया और वापस सोने लग गया। भाई ने कहा कि बेटा यहाँ मत सो, वरना वापस सब अंधेरा हो जाएगा, चल मैं तुझे बाहर लेकर चलता हूँ। बच्चे ने मना बोल दिया। कोई टॉर्च बताने वाले व्यक्ति को अगर मना करे तो उसकी आगे क्या हालत होगी उसकी हम कल्पना कर ही सकते हैं। उस छोटे बच्चे जैसी ही टेंडेंसी हमें हमारे अंदर भी देखने को मिलती है। गुरु भगवंत या हमारे घर के बड़े हमें बहुत सी धर्म की चीजें जो हमारे लिए अच्छी होती है वो कहते रहते हैं, फिर भी हम उन सभी बातों को आसानी से रिजेक्ट कर देते हैं। हमें अंधेरे में से उजाले में आने की इच्छा ही नहीं होती है और हम हमारे ही अंधेरे में खो जाते हैं। इसीलिए श्री आवश्यक निरुक्ति आगम में कहा है कि ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश लेंगे तो जीवन प्रकाशित हो जाएगा और अगर प्रकाश को छोड़ दिया तो जीवन भी छूट जाएगा, जीवन अंधेरे में खो जाएगा। अर्थात ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है। जय जिन शासन, जय महावीर।